मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नशे में धुत कार चालक ने अपनी कार से 6 लोगों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार चालक काफी शराब पीकर कार चला रहा था और काफी नशे में होने की वजह से गाड़ी पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। इसके बाद जो उसके सामने आता गया वो उसे टक्कर मारकर बढ़ता गया। इस दौरान काफी लोगों ने उसे रोकने का भी प्रयास किया लेकिन वो नहीं रुका। जैसे ही खंभे से उसकी गाड़ी टकराई, भीड़ ने उसे कार से बाहर निकाला और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस हादसे में एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।